नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर थाना कोतवाली क्षेत्र में बोलेरो कार में घायल अवस्था में मिला युवक, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। यह वारदात किसी एक्सीडेंट का नहीं बल्कि सनसनीखेज वारदात मृतक की कलियु की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी। पुलिस ने इस केस में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला शाहजहांपुर के कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के पावर हाउस के सामने का है, जहां 3 दिसंबर की रात एक युवक बोलेरो में घायल अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस ने आनन फानन में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उस घायल युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय के रूप में हुई और कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब घटना की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि मृतक की पत्नी रेशमा के अवैध संबंध सचिन नामक युवक के साथ थे। दोनों शादी करना चाहते थे। कलियु की पत्नी ने अपने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करवा दी। पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर हत्यारे प्रेमी सचिन को चांदापुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल, अवैध तमंचा, 315 बोर बरामद किया गया। पकड़े गए प्रेमी प्रेमिका ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। 4 दिसंबर की रात्रि में जब हमारी चीता मोबाइल गश्त पे थी तो उसने एक बोलेरो स्पॉट किया काशीराम कॉलोनी से आगे आवास विकास की तरफ, जो सब स्टेशन है उसके बाहर उससे करीब। और जब हमको संदेहजनक प्रतीत हुआ तो नज़दीक जाके जब देखा तो उसके अंदर एक व्यक्ति जिसको गोली लगी थी उसी के अंदर लुढ़का पड़ा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तत्काल थाने को सूचना दी गई, थाने द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई और उस मृत व्यक्ति का नाम संजय था। उसकी पत्नी की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया था हत्या का। यह स्पष्ट था जो मौका था और जिस हिसाब से वो उसके अंदर उसका शव पाया गया था, कोई लूट की घटना इत्यादि नहीं थी। यह स्पष्ट था कि यह हत्या की घटना है और कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस बारे में जानता था उसके मूवमेंट के बारे में, क्योंकि वो अचानक उसके यहाँ कॉल कोई आई थी जिस पर वो बाहर निकला था। अस्पताल में, जिला अस्पताल में उसकी वो बोलेरो चलती थी वाहन के रूप में, जो डॉक्टरों को ले आने ले जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पर गहनता से विवेचना की गई और इसके नंबर्स वगैरह भी लेकर देखे गए। उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी अवैध संबंध से संबंधित मामला है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया भी गया था, पूछताछ की गई थी और उसी आधार पर यह क्लियर हो गया कि इसकी हत्या में सचिन नामक लड़के का हाथ है। इसके बारे में जब बैकग्राउंड का पता किया गया तो ये पहले काशीराम कॉलोनी में ही उसी कैंपस में वो एक कमरे में रहता था। करीब 1.5 वर्ष पूर्व वहाँ से वो दूसरी जगह रहने गया था अजीजगंज में, लेकिन उसके ताल्लुकात इस महिला से लगातार थे। तो जब उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ से टीमें गठित की गई और अल्टीमेटली उसकी गिरफ्तारी कल संभव हो सकी। पूछताछ जब की गई तो उसने बिल्कुल इस घटना को किए जाने के की स्वीकारोक्ति की और उसने यह कहा कि इस महिला से उसके संबंध थे, जो मृतक है उसकी पत्नी से, और बार बार वह उकसाती थी, वह इससे विवाह करना चाहती थी और यह लड़का भी विवाह करना चाहता था, लेकिन उसकी शर्त उसने यह रखी थी कि जब इसको रास्ते से हटा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो इसीलिए यह लड़का लगा हुआ था लगातार सचिन। और उस दिन भी इनके कब्जे से जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उनकी कॉल डिटेल से भी यह बात मैच करती है। उस दिन भी इस महिला ने उसको फ़ोन से बताया कि यह घर से निकल चुका है। तत्काल वो भी अपने घर से निकला, मोटरसाइकिल से आया और वहाँ पहुँच कर उसने उसको गोली मार दी। जब उसको देखा तो गाड़ी रोक गई मृतक ने, जो संजय था उसने गाड़ी रोकी। जब उसने शीशा डाउन किया तो इसने वहीं से 315 बोर के कट्टे से उस पर फायर कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 4 अक्टूबर को जब इस मृतक संजय को शक था ऑलरेडी सचिन के, तो उस पर वहाँ तकरार भी हुई उसकी पत्नी से और उसने उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसका सिम उसी के एक मित्र जिसका नाम इदरीस है उसको दे दिया था, वह सिम भी बरामद हुआ। लेकिन जैसे ही संजय ने उसको दिया तो उसकी पत्नी को ये सचिन ने अगले दिन ही एक मोबाइल और दे दिया जिसको वो चोरी छुपे इस्तेमाल करती थी, उसी से इन दोनों की वार्तालाप होती थी। वह मोबाइल भी बरामद है जिस मोबाइल के ज़रिए से इनको सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। और घटना के बाद भी इसकी पत्नी ने सचिन से पूछा, सचिन ने कन्फर्म किया कि हाँ ये काम हो गया है। तो इस सारी जो डिटेल हैं इनकी वो इनके कॉल डिटेल से कन्फर्म होती हैं और वो दोनों मोबाइल फ़ोन बरामद हैं और सचिन से वह असलाह भी बरामद हो गया, अवैध असलाह, जिस अवैध असलाह के साथ काफ़ी भी बरामद है। इन दोनों को ही न्यायालय भेजा जा रहा है, इनकी
की विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।